बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग विद नसरीन। कैसे हैं व्यूअर्स आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे अपने अपने घरों में। और मैं आज फिर एक न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ। मैं मटन की रेसिपी बना रही हूँ। और मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए और अच्छी अच्छी मुझे वीडियो अच्छी अच्छी कमेंट्स कीजिए। मेरी वीडियो फुल वॉच कीजिए आप लोग। और मैं बना रही हूँ मटन टिक्का ग्रेवी बना रही हूँ आज। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। और मैंने इसके लिए क्या क्या चीज़ें ली हैं। मटन लिया है 750 ग्राम, और 2 बड़े साइज़ की प्याज है फ्राई करके रख ली है, आधी प्याली दही है, लहसुन अदरक है, इसमें मैंने एक हरी मिर्च भी पीसी है, और 3 टमाटर हैं, 3-4 हरी मिर्चें हैं, और ये टिक्का मसाला है 1 चम्मच लिया टीस्पून, और 1 टीस्पून मैंने लिया है गरम पिसा हुआ धनिया, और लाल मिर्चें मैंने 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम है, हल्दी है, गरम मसाला 1/4 टीस्पून, ऑयल में मैं बनाऊंगी मैं ये दही, और इसको पीसूंगी, और फिर बाद में टमाटर की भी प्यूरी कर लूँगी, इसको भी पीस लूँगी। मटन टिक्का ग्रेवी बना रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी मसाला ग्रेवी बनेगी इसकी और बहुत ही झटपट बन जाता है। चलिए रेसिपी शुरू कर लेते हैं। जी चलिए शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से आधी प्याली ऑयल डाल दिया है इसमें, उसी में मैंने बना रही हूँ जिसमें प्याज फ्राई की थी वही ऑयल है। इसमें लहसुन अदरक ऐड कर देंगे। तो डाल के अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि कच्चापन थोड़ा सा दूर हो जाए लहसुन अदरक। और इसमें साथ ही मटन डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, इसका थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए अच्छी तरह से लहसुन में ऑयल में। फ्लेम फुल कर देंगे और अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेंगे। सारे मसाले इसमें ऐड कर देंगे और मसालों के साथ मिक्स कर देंगे। ये अच्छी तरह से भून गया मसाले के साथ, अब पानी ऐड कर देंगे। 2 गिलास पानी डाल दिया ताकि अच्छी तरह से गल जाए गोश्त, और इसको कवर करके अब गला लेंगे हम। और ये प्याज और ये दही को मैं पीस लूँगी एक साथ, और टमाटर को अलग, टमाटर की पूरी अलग करके रख लूँगी, ये तीनों टमाटर की, इतने गोश्त करता है हमारा, ये पीस के रख। मटन टिक्का मसाला बनाने के लिए अब हम ग्रेवी बनाएंगे अलग से थोड़ी सी। एक तरफ गोश्त गल रहा है, एक तरफ ग्रेवी बनाएंगे इसकी। ये मैंने ऑयल डाल दिया 4 चम्मच, उसमें लहसुन अदरक थोड़ा सा 1 चम्मच डालूँ, कवर कर देंगे थोड़ी देर। फ्लेम मैंने लो किया हुआ है, अब इसमें ये टिक्का मसाला 1/2 टीस्पून ऐड कर देंगे, और मैंने ये टमाटर चॉप ग्राइंड करके रखे थे ये ऐड कर देंगे। इनको अच्छी तरह से भुनाई करनी है मसाले के साथ, टमाटर और ये लहसुन अदरक सब अच्छी तरह ग्रेवी बन जाए। इसको कवर कर देंगे ज़रा, इसका पानी खुश हो जाए, फिर इसके बाद दही और प्याज। जो ये मैंने दही ली है, दही ली थी आधी प्याली, प्याज तली हुई दिखाई थी, उसमें मैंने 5-6 वो डाले हैं, 6-7 मैंने बादाम पीसे हैं। अगर बादाम ना हो तो आप काजू भी ले सकते हैं, मेरे पास काजू नहीं थे तो मैंने बादाम साथ में डाले। अब ये भून जाएंगे टमाटर तो ये ऐड करूँगी। अभी दही पीसी थी मैंने, दही और प्याज भी ऐड कर लेंगे, बादाम दही प्याज, और इसको अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। अच्छी तरह से भून गया है, कलर भी इसका आ गया, ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया। अब ये मसाला जो हमने भून के रखा था दही का और प्याज बादाम वगैरह, ये ऐड कर देंगे।
इसमें पानी ऐड कर देंगे, जितने भी ग्रेवी चाहिए आपको। वैसे तो इतना पतला नहीं होता, मटन टिक्का मसाला बना रहे हैं हम, इतना पतला नहीं होता, थोड़ा गाढ़ा ही रखते हैं, लेकिन फिर भी आपको जितनी ग्रेवी रखनी है उतना पानी डाल दें। मैंने तकरीबन आधा गिलास डाले, थोड़ा सा और डालूँगी। ये जिसमें मैंने प्याज और दही पीसी थी यही वाला पानी मैंने ऐड कर दिया। अब इसको 5-7 मिनट हम पका लेंगे, जब थोड़ा सा ग्रेवी गाढ़ी सी हो जाएगी फिर चूल्हा ऑफ करेंगे। ये देखिए मिक्स कर दिया मैंने, अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे, थोड़ी सी हरी मिर्च, और इसको हल्का चूल्हा बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पे रख दूँगी 5 मिनट के लिए। ये देखिए इतनी ग्रेवी काफ़ी है, मैं इतनी रखूँगी। अब इसमें डालेंगे कसूरी मेथी और थोड़ी सी 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, और इसको मिक्स कर देंगे और उसके बाद कवर कर देंगे। बस चूल्हा ऑफ कर दूँगी मैं, क्योंकि बंद करने के बाद ये थोड़ी सी ठीक हो जाती है। फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको 5 मिनट के लिए रखेंगे इसके ऊपर, उसके बाद सर्व कर लेते हैं। ये मीजिए हमारी डिश की फाइनल लुक, बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी, यमी बनी है, बहुत मज़ेदार बनी है। मटन टिक्का मैंने मसाला बनाया है, बहुत ही मज़े का, यमी टेस्टी, और आप इसको रोटी के साथ, चपाती के साथ खाएं, पराठे के साथ, बहुत ही मज़ेदार लगता है। मैंने थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्च ऊपर डाली है, गार्निश किए है, और उससे पहले काली मिर्च और कसूरी मेथी डाली थी आपके सामने। चलिए बनाइएगा मेरे तरीके से और बताइएगा मुझे आपको कैसी लगी मेरी डिश, कैसी लग रही है, पसंद आ रही है या नहीं। दुआ में याद रखिएगा, अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और दूसरों का भी, बहुत सबका ख्याल रखिए, आस पड़ोस के लोगों का। ओके, अल्लाह हाफिज़।